आसम खान सवाती को रेलवे स्टेशन का दौरा महंगा पड़ गया। गए तो इंतजामात का जायजा लेने, मगर मुसाफिरों के हत्थे चढ़ गए। ट्रेनों में घंटों ताखीर पर मुसाफिर सीखपा हो गए। जबकि लाहौर से कराची दो तरफा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं, मुसाफिरों की जानिब से ऐसा कहा गया। आजम खान सवाती को रेलवे स्टेशन का दौरा महंगा पड़ गया। गए तो इंतजामात का जायजा लेने, मगर मुसाफिरों के हत्थे चढ़ गए। लाहौर से कराची दो तरफा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार है, मुसाफिरों की जानिब से ऐसा कहना था। मजीद क्या बातचीत की गई, सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। सईद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे आजम खान सवाती आज लाहौर रेलवे स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुसाफिरों की तरफ से ये रेलवे को जो है वो घेर लिया गया और मुसाफिरों की तरफ से शिकायत के अंबार हैं वो लगाए गए और ये मौकफ तैयार किया गया। मुसाफिरों की तरफ से पिछला 3-4 माह से जो ट्रेनें हैं वो घंटों तहरी का शिकार है और लाहौर से कराची और कराची से लाहौर जो आने में ट्रेनें हैं वो 4 से 7 घंटे तक तहरी से चाना की बुनियाद पर चलाई जा रही है, जिसके ऊपर आजम खान सवाती जो है वो CEO रेलवे सरदार अहमद मेमन के ऊपर है वो बरस पड़े और उनका ये मौकफ था कि 11 माह जो वजारते का दौर है उसके दौरान हर तरफ से यही शिकायत के अंबार में लगाए जा रहे हैं कि रेलवे इंतजामिया जो है मुसाफिर को बर वक्त ट्रेनों की रवानगी के लिए जो सहूलत है वो फराहम नहीं कर पा रही, जिसके ऊपर CEO रेलवे को काफी तंजीम भी की गई और उससे इजहार भी किया गया आजम खान सवाती की जानब से। और आजम खान सवाती का कहना था कि मुसाफिरों को हर मुमकिन सबसे सहूलियात फराहम करने के लिए वो तमाम इकदाम है वो उठाएंगे और जिन मुसाफिरों को और जिन बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने नहीं करना, हमने जो है वो लोग जो आपको तनख्वाह दे रहे हैं उनको जलील करना है और इसी तरीके से रेलवे का नाम जो है सारी दुनिया का बदला करना है। वो 11 महीने मेरे हो गए, यही बकवास कर रहा था यार। कुछ अल्लाह का खौफ करो, कुछ अल्लाह को दर्द रखो। ऐसे में दिए बटन दबाओ तो सारा